नमस्कार, मैं महेश शर्मा, स्वागत है आपका किचन फर्स्ट प्रोग्राम में। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखी डिश है जो कि पूरे दुनिया में एक फ्यूज़न कुजीन के नाम से जानी जाती है, जिसको मैंने अपने एक तरीके से पनीर को यदि मैं कॉन्टिनेंटल स्टाइल में यदि यूज़ करना चाहूँ तो मैंने इस डिश को तैयार किया है। ये प्योरली मेरी खुद की अपनी क्रिएशन है। जो डिश का नाम मैंने रखा है वो है ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ स्टेक विद पोलेंता पोमोग्रेनेट। आप सोचेंगे कि पोलेंता पोमोग्रेनेट क्या है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एक एपिसोड में बताया था कि पोलेंता एक बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल मक्के का आटा है, जो कि मोटा दलिया आप उसको कह सकते हैं। यदि आप किसी दुकानदार से भी कहें कि हमें मक्का थोड़ा सा मोटा पीस दीजिए तो भी आप ये कर सकते हैं। और ये एक इतनी बेहतरीन और हेल्दी डिश है जिसके अंदर हमारा ऑयल और मसालों का इस्तेमाल बहुत कम है। इसमें हमने मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो लेना चाहूँगा, वो है हमारा पनीर। पनीर आप एक करीब अच्छी शेप का पनीर लीजिए और उसको मैं इस तरीके से बिल्कुल चौकोर काटूँगा। पनीर को काटने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बट मैंने जो इसको स्टेक लिया है ये दो पोर्शन का है। मैंने इसको बिल्कुल स्टेक की शेप में लिया है। इसके लिए यदि आपके पास में कोई भी गोल ऐसी रिंग हो जिसको आप इसके अंदर ऐसे होलो बना सकते हो, जिसके अंदर की कोई चीज़ अपन भरें तो ये बहुत सुंदर होलो निकाल सकते हैं। और ये मैंने देखिए, ये पनीर के अंदर स्टफिंग करने के लिए मैंने ये होलो बनाया है। और ये मैंने देखिए, और इस पनीर के अंदर ये होल हो चुका है और इसको मैं थोड़ा सा ये रह गया है, ये मैंने इसको ग्रिल कर लिया है, होल कर दिया है। इसको मैरिनेट करने के लिए पनीर के अंदर थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल आप इसके ऊपर थोड़ा सा इसको मैरिनेट करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। ये ध्यान रखें कि ये जो स्टेक है, ये स्टेक कटिंग करते टाइम थोड़ा सा इसका ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छे से कटिंग किया हुआ हो। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये मिक्स हर्ब्स डाली हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने इसको चारों तरफ से मिक्स हर्ब्स लगाई हैं। मिक्स हर्ब्स के अंदर आपके पास में नहीं है तो आप घर में यदि धनिया अवेलेबल है तो धनिया डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसका जो मैरिनेशन है वो चारों तरफ अच्छे से लगे। ये मैंने वाइट पेपर डाला है। यदि आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से चटपटा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा चाट मसाला डाल दीजिए। अब ये जो नीचे मैरिनेशन हो गया है, मैंने इसको अच्छे से इस तरीके से लेप करना है जिससे कि पनीर में चारों तरफ जो मैंने इसका मैरिनेशन बनाया है वो आराम से इस पर हो जाए। और ये देखिए, पनीर का स्टेक का हमारा मैरिनेशन। इसको आप करीब 20 से 25 मिनट तक के लिए इस मैरिनेशन में लगा के इसको रख दीजिए। जब तक कि ये मैरिनेशन तैयार होता है मैं इसकी कुछ और तैयारियां कर लेता हूं इस डिश को बनाने की। जैसा कि मैं हर बार बताता हूं कि हमें हैंड वॉश जरूर करना है। हैंड वॉश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अब इसको मैंने जैसे कि मक्का का आटा का आपको ये बताया था, ये पोलेंता है। इसके लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल लेकर के थोड़ा सा इसमें हम चॉप गार्लिक डालेंगे। यदि आप अनियन पसंद करते हैं तो अनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन पोलेंता के साथ में गार्लिक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये मेरा
गार्लिक तैयार हो रहा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन डिश है और गार्लिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गार्लिक बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। यदि आप सुबह सुबह गार्लिक की दो कलियां छील के और गर्म पानी के साथ में लें तो माना जाता है कि हार्ट पेशेंट्स के लिए और जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी निजात दिलाता है। ये मैंने पोलेंता इसमें डाल दिया है। अब पोलेंता आपको करीब 100 ग्राम के करीब आपको पोलेंता इसके अंदर डालना है और इसको थोड़ा सा आप भून लीजिए, जैसे कि हम सूजी भूनते हैं हलवे के लिए, इस तरीके से इसको थोड़ा सा भूनिए। हालांकि ये जो रेडीमेड पोलेंता आता है उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। जैसा कि मेरी माता जी घर में ढोकला बनाती थी और मुझे अभी भी याद है, ये सर्दियों के मौसम में शाम को मक्का के ढोकले बनते थे और उसके साथ में हमें कच्चा ऑयल दिया जाता था, वो भी तिल्ली का ऑयल, और वो तिल्ली के ऑयल के साथ में रात को ढोकले जब बनते थे तो माता जी काट के देती थी और उसके अंदर पत्ता गोभी होती थी, आलू होता था और कच्चे तेल के साथ में हम खाया करते थे और हम हमारी मम्मा को कहते थे कि मम्मा ये कैसे कच्चे तेल के साथ खाएंगे, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस शुरू से रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद कच्चे तेल के साथ ही आता था। और आज भी वो डिश जो है हमारे घर में बनाई जाती है रात को, स्पेशली सर्दियों में। ये देखें, ये पोलंता इमीडिएटली हलवे के रूप में तैयार हो गया है। अब टाइम आ गया है कि मैं जो मेरा स्टेक था, इस स्टेक को मैं तैयार करूं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है। हम जो गैस है इसको हम अब शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसे धीमी आंच में मुझे पकाना है। और ये मेरा पनीर जो है आई थिंक रेडी हो गया है। ये मैंने पहले पनीर करके रखा था, ये वही पनीर है जो मैंने पहले आधा पौन घंटे पहले इसको मैरिनेट करके रखा था। और ये मैंने पनीर को अब इसे ग्रिल करनी ही इसकी एक आर्ट है। अब मैं जब तक कि ये तैयार होता है, आप ये देखें कि ये अपनी जो शेप है, जो पोलेंता है ये अपनी जो शेप है वो साइड में से छोड़ रहा है, जैसे कि हलवा जिस तरीके से छोड़ता है। अब थोड़े से मैंने, जैसा कि इसका मैंने आपको कहा था कि इसकी जो मेन गार्निश है वो है पोमोग्रेनेट सी अनार के दाने, देखें कितने कलरफुल दिखेंगे इसमें अनार के दाने, ये डालेंगे। लेकिन हम थोड़े से अनार के दाने रख लेंगे जिससे कि उसको गार्निश करने के काम आएंगे। अब ये देखें कि अनार और पोलेंता, क्या बात है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है, एकदम येलो कलर विद रेड रेड पोलेंता विद पोमोग्रेनेट सीड्स। और ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आप सॉल्ट बाद में भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा मैं इसमें फाइनल टच देने के लिए पोलेंता को इसमें थोड़ा सा मैं लास्ट में बटर डालूंगा जिससे कि इसका फ्लेवर जो है और ज़्यादा आएगा। ये बटर इसमें इसको बहुत अच्छा शाइनिंग देगा, प्लस इसके साथ में अच्छा इसका फ्लेवर भी आएगा। और इधर मेरा पनीर जो है ग्रिल हो गया है। थोड़ा ध्यान रखें, आंच का भी ध्यान रखें।
इसको आपको चारों तरफ से इसको आपको पकाना है। और ये ग्रिल पोलेंता भी रेडी हो गया है। और बढ़िया ग्रिल पोलेंता रेडी। और देखिए अब मेरा ये तैयार हो गया है और ऑलमोस्ट ग्रिलिंग की और है। तो जब तक कि ये सारी चीज तैयार होती है मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होता हूँ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रिल पोलेंता जो है हमें तैयार करने के लिए कॉटेज चीज़ हमने आपके सामने स्टेक तैयार कर लिया है और ये एक बहुत बेहतरीन क्रिस्प ग्रिल्ड पनीर हो चुका है। अब आपको इम्पोर्टेंट बताएं कि कोई भी डिश बनाने के लिए उसकी हर चीज़ तैयार हो जाती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके साथ में आप क्या अकम्पनीमेंट दे रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा पनीर भी तैयार है और मेरा पोलेंता भी तैयार है। इसके लिए जो मैंने वेजिटेबल आज यहाँ पे यूज़ की है, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये वेजिटेबल जो बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल है, इसका नाम वैसे हम लोग जुकिनी बोलते हैं और ये दो कलर्स में आती हैं और फ्रेंच में इसको क्रोजेज बोलते हैं और ये एक बहुत ही एग्जॉटिक वेजिटेबल कहलाती है। खाने में तो हमारे घिया जिस तरीके से उसी का स्वाद जैसे है, लेकिन इंग्लिश फूड के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। इसके लिए हमने गार्निश के लिए इसको एक ऐसी सीधी शेप में हमें पहले से निकालना है और ये यदि आपकी प्रैक्टिस हो तो ही आप करें घर में, वरना ना करें, क्योंकि इससे अपना हाथ भी आप काट सकते हैं। इसलिए मैंने तो बहुत सालों से करता आ रहा हूँ तो मेरा हाथ को मुझे प्रैक्टिस है कि मैं ये एक ऐसी सीधी पट्टी इसमें से निकाल लेता हूँ। देखिए आप यदि देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्लाइसर मशीन से इसको स्लाइस किया गया है। ऐसे मैंने इसकी ये दो शेप निकालनी है, दो पट्टियाँ ग्रीन की। बट यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें तो ये घर में भी हो सकता है, बट मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। यदि आपको इसको सीखना है तो इसको धीरे धीरे छोटे नाइफ से आप करें शुरू। ये मैंने इसकी दो पट्टियाँ येलो की निकाल ली है और सेम जो हमारा मैरिनेशन अभी हुआ हुआ है, जो आप देख रहे हैं कि जो मैंने अभी ग्रिल पोलेंता, ये ग्रिल पनीर जो मैंने इसमें किया है, उसी मैरिनेशन और उसी ऑयल के अंदर मैं इनको ग्रिल करूँगा, जिससे कि उसका स्वाद जो है इस सब्जी में भी आ जाएगा। और एक मैं थोड़ा सा लेऊंगा रेड पेपर। रेड पेपर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। और ये मैं थोड़ा सा इसको एक शेप दे दूंगा जिससे कि ये गार्निश में काम आएगा। और ये रेड पेपर मेरा तैयार है। और हमेशा कोई भी चीज़, गरम चीज़ को हाथ लगाने से पहले थोड़ा सा आप अपना हाथ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि खाना बनाने में सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तैयारी करते हैं प्लेट की। जैसा कि सारी चीज़ें तैयार हो चुकी है, सो अब हमें एक अच्छी सी प्लेटिंग करनी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस तरीके से चीज़ बना रहे हैं उसको बनाने के साथ साथ उतने ही अच्छे ढंग से उसको प्रेजेंट किया जाए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन मैंने जो सीखी है उसका सबसे बड़ा मुझे जो फ़ायदा हुआ था वो था कि मेरे पास में आर्ट्स थी मेरे 9th स्टैंडर्ड के अंदर। तो जब मैं आर्ट्स में, मेरे पास में ड्राइंग मेरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था, तो ड्राइंग की वजह से मैंने जो प्लेटिंग करना सीखा, वो मेरी ड्राइंग जो थी वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया
ड्यूरिंग माई कलनरी प्रोग्राम में जब भी मैंने कोई प्लेटिंग करी तो उसने मुझे बहुत हेल्प करी। अब हम यदि हम सर्व करने जा रहे हैं तो एक बार फिर हमारा जो ग्रिल पनीर है उसको वापस ग्रिल करने के लिए लगा लेते हैं और मैं अब प्लेट लेके आता हूँ। इसके लिए मैंने, क्योंकि ये जैसा कि वाइट पनीर है और पोलेंता हमारा येलो है, ये हमारा बिल्कुल रेडी पोलेंता है। अब इसको हम आपके सामने अभी मैं हीटिंग करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मैंने चुकीनी ली है उसको मैंने दो चुकीनी येलो और दो चुकीनी ग्रीन। देखिए हर्ब्स की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत तेजी से आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रिल पोलेंता रेडी है मेरा और इसके साथ में मैं इसको पोलेंता को एक छोटा सा कटोरी के अंदर डालूंगा। आप देखें तो पोमोग्रेनेट भी अच्छा से पक गया है। अब अभी तक हमने अनार के दाने केवल कच्चे खाए थे लेकिन पके हुए अनार के दाने की वजह से इसका जो फ्लेवर है वो पूरा पोलेंता में चला गया है अच्छे से। अब ये जो पोलेंता है इसके साथ में मैं इसको हाथ की हाथ मैंने ये कटोरी पे डाल दिया है। इसके बाद में ये रेड पेपर्स जो हैं वो मैंने इसके ऊपर डाले हैं जिससे कि ये इसको कलर करे। और जैसा कि मैंने शुरू में एक होल किया था, आपने देखा होगा, ये होल मैंने अनार के दानों के लिए किया था कि मैं अनार के दाने इस होल में करें। इस होल को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं अपने ज़्यादा अनार यदि आपको यूज़ करना है तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरी बेहतरीन डिश जिसमें ऑयल नहीं है, पोलेंता आपके साथ में एक अकम्पनीमेंट है, वेजिटेबल्स मैंने साथ में दी है, पोमेग्रेनेट सीड दिया है। इसको यदि आप चाहें तो कोई भी अपना सॉस बनाना चाहें इसके साथ सॉस बना सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसको कोई सॉस की ज़रूरत है क्योंकि इसमें एक कम्प्लीट मील है जो कि आपके साथ में हर चीज़ सब्जी पूरी देता है और साथ में आपको एक बहुत अच्छी पोर्शन भी देता है खाने के लिए। ये है ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ स्टेक विद पोलेंता पोमेग्रेनेट। ये एक मैंने बेहतरीन डिश अपने तरीके से तैयार की है, इसे आप घर में ट्राई करें। और देखिए आपको आज एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जो जो स्वाद है, स्वाद ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये कि एक बार की बहुत मशहूर गायिका थी, वो अपने उस्ताद के पास में गाना गाने के लिए सीखने के लिए गई तो उस्ताद ने उन्हें एक ही बात कही कि आप खाना बनाना जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि खाना हाँ मैं जानती हूँ, तो बोले कि मैं तब सिखाऊंगा जब आप खाना बना के लेके आएंगी। तो दूसरे दिन जब वो खाना बना के लाई, उस्ताद ने खाना टेस्ट किया तो उनको खाना बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि आपका खाना अच्छा है तो मैं आपको गाना सिखा सकती हूँ। तब उन्होंने पूछा उस्ताद से कि भला खाना का और गाने से क्या मतलब, तो उस्ताद ने कहा था कि जो बहुत अच्छा खाना बना सकता है वो बहुत अच्छा गा भी सकता है। मैं भी एक सिंगर हूँ, कभी किसी शो में आपको ज़रूर एक गाना सुनाऊंगा। और यदि आप मेरी इस रेसिपी में कुछ लिखना भूल गए हैं तो नोट करिए इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका मेथड।
इंग्रेडिएंट्स: पनीर, अनार के दाने, ऑलिव ऑयल, लाल मिर्च, नमक, पोलेंटा, हरा धनिया, बटर, हर्बल हब, बारीक कटा हुआ लहसुन, लाल शिमला मिर्च, जुकिनी, सफेद मिर्च, चाट मसाला, पोलेंटा। पैन गर्म करें, उसमें ऑलिव ऑयल डालें। तेल गर्म होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालें। लहसुन भूरा होने के बाद इसमें पोलेंटा डाल दीजिए और सूजी की तरह भूने। हल्का भूरा होने के बाद इसमें पानी डालें। पानी डालकर अच्छे से हिलाएं और धीमी आंच पर पकाएं। ये जल्दी ही हलवे की तरह गाढ़ा हो जाएगा और कुछ इस तरह का नजर आएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहें। पक जाने के बाद इसमें अनार के दाने डालें और मिलाएं। अब इसमें नमक डालें और आखिर में बटर डालें और अच्छे से चलाएं। आपका पोलेंटा तैयार है। ग्रिल कोटर चीज स्टेक विद पोलेंटा पोमेग्रेनेट। पनीर का मोटा पीस लें, फिर चौकोर काट लें। इस चौकोर पनीर को ऐसे दो भागों में बांटें कि दो त्रिकोण पिरामिड बन जाएं। देखिए, पनीर काटने के बाद कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। फिर एक गोल रिंग या कोई भी नुकीली चीज लें, जिसकी मदद से आप पनीर में बीचों बीच छेद कर सकें। पनीर में गोल होल करने के बाद वो कुछ इस तरह नजर आएगा। अब इस पनीर पर ऑलिव ऑयल डालें। तेल डालने के बाद इस पर हरे धनिया की सूखी पत्तियां या हर्बल हर्ब्स डालें। फिर नमक, सफेद मिर्च डालें, थोड़ा चाट मसाला डालें। अच्छी तरह से पनीर पर सब मसाला लगा दें। 20 से 25 मिनट पनीर को अलग रख दें ताकि पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। एक पैन में ऑलिव ऑयल गर्म करें और मैरिनेट पनीर को गर्म तेल में ग्रिल करें। इस पनीर को चारों तरफ से सेक लें और अच्छी तरह से ग्रिल होने के बाद प्लेट में निकाल लें और गार्निश की तैयारी करें। हरे और पीले रंग की जुकनी लें, इसकी दो पतली पतली स्लाइस काट लें और पनीर को ग्रिल करने के बाद जो तेल बचा है उसी तेल में इन्हें भी ग्रिल करें और लाल शिमला मिर्च को भी लंबा लंबा काट लें और इन्हें भी ग्रिल करें और प्लेट में डालें और फिर पनीर भी रखें और जो पोलेंटा बना है उसे भी प्लेट में डालें और आखिर में जो पनीर छोड़ दिया था उसमें कच्चे अनार के दाने डालें और खाएं। ये थी मेरी डिश ग्रिल कॉटेज चीज विद पोलेंटा पोमेग्रेनेट। अगली बार मैं आपके साथ में फिर मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। We'll be right back.